कंसिस्टेंटली ये ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन ये मैचेस में गड़बड़ भी हो रही है, तो कैसे आप एड्रेस करोगे? क्योंकि शुरुआत जो बॉलिंग हो या बैटिंग हो उसमें न्यूजीलैंड का मैच सोचो कौन सा भी, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो क्या सोचोगे एज ए कैप्टन? देखिए अगेन सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आंसर किया, गड़बड़ तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैच हार गए तो हार दिखता है, गड़बड़ हो गया है, बट हमें तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया है कि काफ़ी गड़बड़ हुआ है क्योंकि आप जब ऑब्वियसली मुझे पता है, मैंने इतना देखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतने मीडिया वालों से बात किया हुआ है, जब मैच हारते हैं तो सवाल उठती है, दैट इज़ नॉर्मल, मुझे पता है। बट देखिए जहाँ तक टीम का सवाल है, ड्रेसिंग रूम का सवाल है, आप अंदर जाकर देख सकते हो सारे लड़के एकदम रिलैक्स है, चिल्ड है, क्योंकि हमें वैसा एटमॉस्फेयर रखना है टीम में। अगर आप मैच हारो या मैच जीतो, मैच हारने के बाद सडनली टीम का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने काफ़ी मेहनत की है उस चीज़ को, ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए, और सारे लड़के इसको लेके काफ़ी खुश है। सो आई थिंक अगर आप ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखोगे तो आई थिंक इवेंचुअली यू नो जो परफॉर्मेंसेज आप देख रहे हो वो ग्राउंड पे होगी। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि बिफोर द वर्ल्ड कप हम ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, हार जीत से हम लड़कों को जज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस हो या ना हो उससे जज नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी लड़के यहाँ पे हैं सब में काबिलियत है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर है। तो वो सोच में हमको भी कंसिस्टेंसी दिखाना है, हमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बात नहीं करना है। रोहित विमल कुमार दिस साइड, क्या रन कम रह गए थे या फिर सफिशिएंट रन थे, क्या लगता है आपको? मैं तो खेल नहीं, नहीं देखिए जैसे जिस तरीके से हमने पहला 6 ओवर खेला, जितने रन हमको करने थे हम उतने रन नहीं कर पाए क्योंकि विकेट चली गई थी, उसके बाद हमको थोड़ा मोमेंटम मिला और उसके बाद आई थिंक हम थोड़ा अच्छा कैपिटलाइज कर सकते थे, जिस तरीके से हमारा पावर प्ले के बाद बाकी के आई थिंक 7 या 8 ओवर जो हमने खेले थे फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 12 और 13, हम ठीक तरीके से गेम क्लोज नहीं कर पाए हमारे बैटिंग को लेकर, बट ये सारी चीज़ें होती है। कल ही टीम मीटिंग में ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने कितनी अच्छी तरीके से डेथ ओवर की जो सिचुएशन होती है उसको संभाला है, उनको खेला है, और मिडिल ओवर्स के जो पीरियड होते हैं उसमें अच्छा खेला है। तो होता है ऐसा कभी कभी आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो, जो जिस तरीके के सिचुएशन में आपको और जिस तरीके के सिचुएशन में आपको टीम को ला के रखना है वो कभी कभी नहीं होता है, तो बट आई स्टिल फेल्ट कि 10 से 12 रन हम शॉर्ट थे, बट 175 वॉज अ डिसेंट स्कोर टू डिफेंड, इट्स नॉट लाइक कि स्कोर एकदम ही छोटा है या आराम से चेज हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है इस ग्राउंड पे कि अगर आप अच्छा स्टार्ट भी करते हो और उसके बाद मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हो तो आपको एक चांस मिलता है, और जैसे हमें भी आज चांस मिला था, जो शुरुआत हुई थी पहले जो 6 ओवर में उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक पावर प्ले में 55 रन के आसपास उन्होंने कुछ बनाया, उसके बाद भी जो नेक्स्ट 3 या 4 ओवर थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी रन बनाए, तो डेफिनेटली हम लोग अंडर प्रेशर में थे, बट हमारे स्पिनर्स ने आके एक उम्मीद जताई हमारे सारे हम लोगों के अंदर, बट इवेंचुअली गेम क्लोज नहीं कर पाए, बट ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। रोहित मेरा सवाल डेथ